प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्रैफिक में सुधार लाने के लिए अलग से ट्रैफिक डायरेक्टर बनाने की बात कही। गृह मंत्री मिश्रा ने बताया कि विभाग में स्वीकृत होने वाला बजट लेट से न हो इसकी व्यवस्था की जाएगी। गृह मंत्री ने यातायात समीक्षा बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। मीडिया से गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि अब अलग से ट्रैफिक डायरेक्टर बनाया जाएगा ताकि यातायात में और अधिक सुधार किया जा सके। गृह मंत्री ने बताया कि पुलिस के ड्राइवर को ट्रेनिंग के लिए एक और स्कूल दतिया में खोलने का प्रस्ताव आया है। अभी प्रदेश में एक ही पुलिस ड्राइवर का प्रशिक्षण केंद्र है। गृह मंत्री ने कहा कि जो एनजीओ सड़क दुर्घटना को लेकर अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। कृपा है और चूँकि वैश्विक संकट है वो ऐसा नहीं है दिल्ली में हो रही है, विश्व में कई देश ऐसे आ गए हैं जहाँ बैक मारा है उसने, पर उसका मूल रूप से तो सावधानी ही उपचार है। जब तक जिस तेज़ी से आज भी मैंने सुना पढ़ा और देखा, देखा से मतलब टीवी, देखा सुना मतलब रेडियो और पढ़ा मतलब अखबार, इन तीनों की मैंने देखा सुना और पढ़ा, मैं ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन शायद बहुत जल्दी आने वाली है तो भयावह ताप पर नियंत्रण आएगा। नहीं, मूल रूप से मोरेना में है, खरगोन में है और एक सीहोर, ये 24 मोरेना में है शायद, 24 ही यहाँ है और 29 खरगोन में। ये तीन पॉइंट हैं, छोटे छोटे तो अलग हैं पर बड़े स्पॉट यहाँ पर हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जस्टिस हैं जो इस बारे में सलाह देते हैं उनकी एक समिति बनी हुई है और इस दिशा में PWD विभाग और सड़क विभाग और वो सब राय लेके आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी उसका निदान करेंगे, कोई ना कोई जो टर्न होते हैं दूसरी चीज़ें निदान निकाल रहे हैं। यातायात संचालनालय बनेगा और हमने तय किया है DG साहब उसे एक हफ्ते के अंदर सरकार के पास इस प्रस्ताव को बना के भेजें और उसके बाद में उसे वित्त के लिए और CM साहब की तरफ करेंगे। एक निर्णय ये भी लेने का बोला है आज के हमारे पास जो चालान की राशि जमा होती थी वो लैप्स हो जाती थी, अब इस तरह का प्रावधान ऐसी व्यवस्था करें जिससे जिस संस्था को जिस हेड में ये दिया गया उस हेड में वो सुरक्षित रहे, लैप्स नहीं हो। ऐसा निर्णय भी आज किया है कि वो राशि अब लैप्स नहीं होगी। अभी हमारे यहाँ पिछले 40 साल से एक ही पुलिस ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल है, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के नाम से, जिसमें हम अपने ड्राइवरों को प्रशिक्षित करते हैं शासकीय, तो एक और खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजें जो दतिया में खुले, ऐसा प्रस्ताव भेजा है कि उसे आधुनिक बनाया जाए और तमिलनाडु के पैटर्न पर उसकी संरचना हम करें। ये आप सबको विदिती है, मैं रिमाइंडर भी कर देता हूँ कि प्रदेश के अंदर जितनी NGO हैं या सामाजिक संस्थाएं हैं या जो सड़क से जुड़ी संस्थाएं हैं, लाइन है, रोटरी है वगैरह वगैरह इत्यादि, वो सामाजिक भी हो सकती हैं और NGO भी हो सकती हैं। ये अगर सड़क को ठीक करने की दिशा में पहल करती हैं तो इनको भी पुरस्कार दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, जैसे फर्स्ट में 5 लाख, सेकंड में 3 लाख, फिर 2 लाख, इस तरह का भी हो। और एक्सीडेंट के पहले घंटे में जो गोल्डन आवर होते हैं, पहले हफ्ते में जो भी समाज का व्यक्ति, जो एक्सीडेंटल व्यक्ति है उसे अस्पताल लेके जाता है घायल अवस्था में, तो समाज के लोग पूछने से इसलिए बचते हैं कि फिर पुलिस की पूछताछ होगी, तो अगर वो व्यक्ति नहीं चाहेगा तो कोई पूछताछ नहीं होगी, लेकिन उस अवर में वो अस्पताल पहुंचाए, पुलिस की ओर से कोई हैरिस नहीं किया जाएगा, उसकी इच्छा हो बयान दे, उसकी इच्छा हो वो बयान न दे। इसको भी आज समीक्षा इस विषय में की कि इसको हम इन दोनों तीनों विषय को और आगे बढ़ाएँ और ट्रैफिक सुधार की दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ें। आपका कोई सवाल? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।